हर हर महादेव दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे आप सब? आशा करते अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं हूँ काजल और आप सभी को स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अभी सुबह का 8 बज रहा है और आप सभी को हमारे तरफ से प्यार भरा गुड मॉर्निंग। अभी हम सुबह सुबह नहा धोवा के एकदम फ्रेश हो गए हैं और घर पर तो अभी कोई नहीं है, देख सकते हैं। और मानसी बेटा भी है लेकिन अपनी बुआ के साथ इधर खेत में आज पहली बार गई है, पता नहीं कहाँ पर है वो। हाँ, और मानसी के पापा उधर ही है और हम जाने के लिए नहा धोवा के रेडी है, किसी का कोई चावे चिंता नहीं है। तो इसलिए हम भी मस्त में खाना बना रहे हैं और चलिए इस प्यारा से ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। ऐसा करते हैं आप सब इस ब्लॉग पर बने रहेंगे, लाइक भी करेंगे, उसके लिए आप सभी को हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद और प्यार प्यारा कमेंट भी करेंगे। तो चलिए इस प्यारा से ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं मानसी बेटा उधर किधर में है और ढूंढते हैं उसको, क्योंकि वो मन ही नहीं लग रहा है, पहली बार खेत में गए ना इसलिए तो पता ना किधर है। और अभी हम दिखाते हैं खाने में क्या क्या जल्दी जल्दी बना रहे हैं। तो फ्रेंड देखिए, अभी हम खाना बना रहे हैं अंडा और चावल। तो अंडा तो बॉयल हो गया और थोड़ा सा ना आलू बॉयल होना बाकी अभी, और मसाला इधर सारा कुछ मसाला रेडी, बस नमक ऐड करना है और धनिया पत्ता तो ऊपर से जाएगा। अभी हम मंगाए थे सारा कुछ, इसी में लेट हो गया, नहीं तो हम खाना बना लिए होते, 8 बजे तक तो बना लेते हैं। तो चलिए फटाफट बनाते हैं। और इधर रहा तड़का छमक लगाने के लिए, और सरसों भी निकाल के रखे हैं। तो फ्रेंड अभी देखिए, हमने मसाला डाल दिया, टमाटर भी डाल लिया वाला, इसलिए ऐसा डाला है ना क्योंकि ये थोड़ा लास्ट में खड़ा रहेगा तो अच्छा लगा। बाकी सब काट के डाल ली हूँ एक। चलिए 3 अंडा तली हूँ क्योंकि 2 मानसी पापा खाएंगे, एक मैं और 2 मानसी। तो चलिए बाकी सब आलू छील लेते हैं, उसके बाद ये सारा सफाई करूंगी, तब तक मसाला भी पक जाएगा हमारा। तो फ्रेंड हम खाना बना लिए और चलिए ब्रश कर लेते क्योंकि कोलगेट नहीं था। और जाने के लिए देखिए, हम कपड़ा निकाल लिए हैं और सामान सारा सेट करेंगे अभी। और अभी हमको जाने का भी मन नहीं कर रहा है, रीज़न बताते हैं क्यों। और मानसी बेटा अपने फ्रेंड लोग को, मतलब फ्रेंड लोग उनको चिल्ला रहे हैं, तो वही बोल रही आ रही हूँ, आ रही हूँ, ब्रश कर रही है, दिखाते हैं आपको। फ्रेंड देख सकते हैं, मैं छठ पूजा वाला साड़ी पहनी हूँ और इयर रिंग्स और ये नेकलेस एक पहनूंगी। बाकी सब मैं रेडी हो गई हूँ जाने के लिए, मन नहीं कर रहा था जाने का, तो हम रीज़न बताते हैं क्यों। बड़की मम्मी आ गई, हम बड़ी मम्मी साथ में जाएंगे। देख सकते हैं फुल रेडी हो गया, हाथ पैर भी रंग लिए थे, और बड़ी मम्मी हम साथ में जाएंगे, आई है बड़ी मम्मी। जाने का थोड़ा सा इसलिए मन नहीं कर रहा था, मैं ज्यादा रेड नहीं होगा, हमको मेकअप करना नहीं आता। हम सोचे थे कि चलिए क्या बात है, बताने का मन नहीं करता लेकिन आप शेयर कर देते है। अरे वो पापा जी का फोन है ना, मेरा मिल गया, मेरा फोन ही नहीं मिल रहा था। और ये वाला नेकलेस हम पहने हैं, आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है ना, नेम वाला है, देख सकते हैं इंस्टाग्राम से, हमने इंस्टाग्राम पर इसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से परचेस कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा है, मेरा और मानसी पापा का नेम से, मतलब ऑर्डर एक बनाना पड़ता है, हर तरीके से बनवा सकते हैं वहां पर, बहुत अच्छा लगेगा। और चलिए अब हम लोग चलते हैं। क्या हुआ था, देवर जी आए थे सुबह ही 7 बजे, तो हम लोग को पता भी नहीं था, हम तो इधर ही झाड़ू वाड़ू अपना कर रहे थे और आए थे, वो दीदी को लेकर चले गए थे और हम लोग को कुछ पता भी नहीं था कम से कम। और कल से मम्मी भी एक ही बार फोन नहीं की थी कि आओ कि नहीं कुछ भी, इसीलिए थोड़ा सा दुख लगा था। चलिए कोई बात नहीं, हेलमेट ले ली, चले मानसी पापा रेडी, हेलमेट लगा, चले सब बिना हेलमेट ना, हेलमेट चलिए हम बड़ी मम्मी चलेंगे। वही थोड़ा सा दुख लगा था कि एक भी बार नहीं आई बोलने की चलोगे कि नहीं, या फिर कुछ भी नहीं पूछने है। तो अभी ना मेरे मानसी की बुआ जी कॉल की थी, या फिर कोई नहीं पूछा कि आओगे कि नहीं, तो बोल रही थी चले जा, तो वही जा रहे हैं। ऐसे में भी तो जाते कि हाँ चलो, मम्मी बोली थी तो चलिए किवाड़ी दरवाजा बंद करके निकलते हैं। और आप लोग बताइएगा ये ब्लॉग कैसा लगा, ज्यादा कुछ हम नहीं शेयर कर पा रहे, चलिए कोई बात नहीं, बड़के मैं क्या दिखा दूंगा, तो अभी दिखाते हैं कौन कौन जा रहे हैं। देखिए बड़ी मम्मी जा रही है और बड़े पापा है ना, तो अभी हम दोनों लोग जाएंगे। अरे अरे छोड़ दो ड्रेस, और मानसी बेटा का ये वाला ड्रेस पहना लिया है। तो हम लोग तो अभी आ गए हैं लेकिन हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या नहीं, बट ऐसे ही कर रहे हैं जो दिखाई दे रहा है कि उनको ये करना चाहिए, तो इसलिए कर दे रहे हैं। और बाकी क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। इधर पीछे साइड में हम बैठे हुए हैं, इधर कोई नहीं है, बस खाली खेत है और बड़ी मम्मी है, इसीलिए
और आगे हमारे मेन चैनल पर देखिएगा कैसे क्या हुआ, कैसे हम लोग पहुँचे। फौरन नहीं क्या बड़क भैया ना, फौरे ला बहुत ज़्यादा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फरता है। लेके आते थे मतलब हमारे देवर जी वहाँ पर फरता था तो, लेकिन अभी नहीं फरा है और हम बहुत नर्वस है। क्या बताएं आप लोग, कमेंट में बताइएगा फिर से क्या करना चाहिए। मानसी बेटा तो उधर बोल रही थी दुकान जाएंगे तो उनके जीतन अंकल आए हुए तो वहीं लेके गए थे, और क्या ही कह सकते हैं, बहुत अजीब हो रहा है लेकिन आए, अच्छा लग रहा है। शुरू शुरू में तो अच्छा नहीं लगता है कि मतलब किसी से क्या बोले क्या नहीं, लेकिन अपना फर्ज बनता है बोलना है, सबसे घुल मिल के रहना का रहने का, तो हम तो रह रहे हैं जैसे हमको मतलब वो हो रहा है। तो बाकी सब आप लोग बताइएगा कैसे क्या मतलब करना चाहिए, हमको उतना आइडिया नहीं आ रहा है। बाकी उधर का तो अभी हम कुछ नहीं दिखा सकते, हमारे मेन चैनल पर देखिएगा। अभी उधर कोई कोई है इसलिए इधर में है, और देख सकते हैं घर के पीछे इधर खेत है ऐसे में। और कौन बोलो वीडियो बनाओ, गीत गा रहे हैं, अंकल का नाम होगा इसलिए ठीक है। अरे मैं ना शादी क्यों हो रहा है, ये कौन लगाया सकते हैं। यहाँ पर हम देव बच्चों को वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा हम यहाँ चाय बना रहे थे, क्योंकि अहित लोग जो है वो आ चुके थे इसलिए, तो चाय बना के फिर सारा साफ सफाई करेंगे। हमको मतलब कुछ ध्यान नहीं आ रहा था कितना, मतलब होता है ना एक डर सा लगा रहता है कि पहली बार आए हैं कुछ बना रहे हैं कुछ गड़बड़ी ना हो जाए, तो हम चीनी डाल दिए थे फिर लास्ट में थोड़ा सा लेकर डालेंगे। और मानसी बेटा यहाँ पर कुछ बोल रही थी और गाना बज रहा है ना इसलिए थोड़ा सा वो कर दिया, और इसमें थोड़ा दूध था तो इसलिए चाय को डाल के अच्छे से फिर उसको हिलाकर डाल दिए थे, क्योंकि दूध वगैरह था तो उसमें अच्छे से और चला जाएगा, और उसको अच्छे से खोला। तो फ्रेंड अभी ना हम यहाँ पर खाना बना रहे हैं जो कि देख सकते हैं आप लोग, अभी दिखा रहे हैं पता ना क्या बज रहा है। और उधर दीदी चावल बना रही है चूल्हा पर, और इधर सब्जी आलू गोभी का ये सब्जी है, और आए थे तो आधा बना दिए थे, सुबह में हमको भी लेते आते हैं तो हम भी बना दिए होते, अभी तक बन गया होता, फिर भी एक बबनी थी काफ़ी मदद कराई। और ये जाएगा पनीर का सब्जी बना रहे हैं यहाँ पर देख सकते हैं, तो चलिए इसको तो नहीं तल है मटर को तो वो है, और इसको चलिए ढाँक देते हैं, इसको थोड़ा सा पकाना है हमको, और चलिए बनाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, मानते अभी बाहर में खेल रही है और खाना में बन रहा है, पता नहीं हमको दो फल का सब्जी बोला गया बनाने के लिए बना रहे, पता ना दाल चावल सब्जी बन रहा है दो फल का। और आए थे लेडीज देखने के लिए हमको भी, तो बहुत अजीब लग रहा था। बेटा आपको अच्छा लग रहा है यहाँ, कपड़े मत खराब करो, आपका मुंह में बोर हो रहा है, क्या खाओगे? अच्छा खरीदने का मन कर रहा है इसलिए मुंह में बोर हो रहा है, इसके मुंह में बोर होता है तो कुछ खाने का मन करता है, आंख में बोर होता है तो कुछ देखने का मन करता है, और ऐसे ही बोर होता है तो कहीं जाने का मन करता है, कुछ करने का मन करता है ना। कौन खेलेगा? बड़े जेठानी का और वो मम्मी का घर है, बाकी सब इधर रूम है तीनों भाई का, तो इधर मैं देख तो बने रहिए। तो बैठा दी हूँ, चलिए उसको खनिया देते हूँ, आलू गोभी का बन गया है तो इसी में खनियाना, बबनी ये कहीं थी तो बना के इतना गई है, उनके घर भी काम था इसलिए देख सकते, तो चलिए उसमें डाल देते, फिर उसमें पापड़ तलना है। खाना बना रही है, तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर मैं खाना बना रही थी और आ गए हैं, आके बहुत ही अच्छा लगा सब लोग से मिलके, और आप सबको जो कुछ भी होगा हम अपडेट देंगे दिखाएंगे। और यहाँ पर मैं पापड़ तल रही थी, खाना तो सारा बन गया तो बस लास्ट पापड़ तले जा रहे थे, और खाना सब लोग खिला रहे थे, बाहर आए थे मेहमानों को, तो
और यहाँ पर मैं आप सबसे यही बोल रही थी कि बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके, और आप सब हमारे ब्लॉग वीडियो पर अच्छे होंगे तो बने होंगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अभी भी मन नर्वस है, कुछ बोला नहीं जा रहा है, क्या क्या बोली जा रही है, और प्यारा प्यारा कमेंट कीजिएगा, कुछ गलती सही होगी तो माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से। आप लोग कमेंट में बताइएगा हमको, मतलब कि कैसे रहना है, क्या करना है, को तो उतना आइडिया नहीं है। और आए हैं तो बहुत ही अच्छा लगा सब लोग से मिलके खाना वाना बनाए, और सब लोग अभी खा रहे हैं इत लोग, और गाना चल ही रहा अभी आप लोग देख रहे हैं, तो चलिए बाय।